जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कैसा है। हम लोग जब भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अनअकैडमी का ही नहीं बल्कि कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसके उसके लिए हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। सबसे पहला डाउट हम लोगों को ये आता है कि हम लोग जो 50-60 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन 50-60 हज़ार का रहता है, कोई 1 लाख रुपए का रहता है, कोई 1.5 लाख रुपए का रहता है। तो हम लोग 50-60 हज़ार रुपए नॉमिनल लेते हैं कि 50-60 हज़ार रुपए अगर हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को उसका आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हम लोग जब लेते हैं ना स्टूडेंट्स, हम लोगों को 101% हम लोगों को इसका आउटपुट मिलता है। इसके हर एक एजुकेटर, अनअकैडमी का हर एक एजुकेटर हम उस अपना 100% देता है हम लोगों को समझने के लिए। लेकिन बात ये आ जाती है कि हम लोग कोई भी एजुकेटर या कोई भी टीचर हम लोगों को अगर समझा रहे हैं तो उसमें हम लोगों को रिविजन करना मस्ट है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि देखिए, आपको कोई भी एजुकेटर या कोई भी सर, कोई भी टीचर अगर आपको खाना बना के दे रहा है, आपको वो खाना परोस के भी दे रहे हैं, आपको वो खाना खिला के भी दे रहे हैं, लेकिन आखिरी में बात क्या आ जाती है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को या हम लोगों को भी वो खाना चबाना हम लोगों को खुद पड़ेगा। कोई दूसरा टीचर या दो एक दूसरा आदमी हम लोगों को चबा के देने वाला है क्या? आप खा भी सकते हो, किसी का चबाया हुआ खाना नहीं खा सकते हो, सीधी सी बात है। इसलिए इसलिए आप लोगों को हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोगों को रिवीजन करना बहुत ज्यादा मस्ट है। आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप कोई भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से पढ़िए, आप ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस से पढ़िए, आपको कोई भी सर टीचर अगर पढ़ा रहा है उसके बाद आप लोगों को रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो आगे देखते हैं कि हम लोग जब ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम लोगों को इसमें कौन सी फैसिलिटीज मिलते हैं। हम लोग यूपीएससी सीएससी जीएस का देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अनअकैडमी का ऐप, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका भ्रमण कराऊंगा कि अनअकैडमी का ऐप कैसा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अनअकैडमी का ऐप कैसे यूज करते हैं वो भी नहीं समझता है, ठीक है। तो अनअकैडमी का ऐप जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्लानर देखता है कि हम लोग हमारे हिसाब से हमारा प्लानर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोगों को कितने बजे कौन सा लेक्चर करना है। या यहाँ पे देखो हिस्ट्री का, अभी जो आरती शौर्य मैडम का लेक्चर शुरू है तो उनका 4 बजे का लेक्चर, तो ये सब प्लानर में ऐड हो जाता है। जैसे अपने स्कूल में पीरियड्स रहते हैं या ट्यूशन ऑफलाइन ट्यूशन में जैसे पीरियड्स रहते हैं, कौन कितने बजे कौन सा पीरियड होगा, वो सिर्फ टाइम टेबल है ये एक प्लानर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रॉज में अगर जाते हैं तो ये ब्रॉज में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, अलग अलग बैचेस दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे रेफर एंड अर्न का भी एक सिक्वेंस दिखता है, ठीक है। लाइव वाले लेक्चर से यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद अपकमिंग कोर्सेस कौन से आने वाले हैं, उसके बाद पॉपुलर कोर्सेस यहाँ पे कौन से हैं, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे यूपीएससी सीएससी के एजुकेटर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एजुकेटर्स का अगर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ तो यहाँ पे पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोरा सर है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए पवनीत सिंह सर है, ये एक्स बाजीराम की फैकल्टी है और पवनीत से पहले बाजीराम में पढ़ाते थे, बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं ये भी। सुदर्शन गुर्जार सर है, ठीक है ठीक है। पिछले पिछले तीस पिछले तीस दिनों में इसके पिछले थर्टी थर्टी डेज में इनके 13 मिलियन वॉच मिनट्स, मतलब सबसे ज्यादा वॉच मिनट सुदर्शन गुर्जार सर के हैं अकेडमी पे, इसी के 13 मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 31-30 लैक्स वॉच मिनट से पिछले 10 दिन में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया एजुकेटर से अनअकैडमी के अपना 100% से हम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं, एक बात यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान में देनी है कि ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मेरा ही है, ठीक है। मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं सब्सक्रिप्शन ले रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स आए थे, मैंने बहुत लोगों से पूछा था, लेकिन यूट्यूब पे मेरे को एक ऐसा पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिला था उस पर कि मैं लू या ना लू, बहुत कंफ्यूजन वीडियोज भी थे, ठीक है। तो वो तो हमारे ऊपर है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोई भी सर टीचर आपको पढ़ा देता है लेकिन वो हम लोगों को ही देखना पड़ता है, पढ़ाई तो हम लोगों को खुद को ही करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो मेरे को क्रिएट मेरे मन में आ रहा है वो कंफ्यूजन किसी और को नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है। मेरा ये वीडियो बनाने से अगर एक बच्चे को भी अगर फायदा मिल रहा है तो मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और सबसे एक और बात यहाँ पे दूसरी बात जब आती है कि हम लोग जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 से 4 टीचर्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो टीचर से पढ़ना है, जो एजुकेटर से पढ़ना है, वो एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप कौन से एजुकेटर से पढ़ना है तो उसके लिए आप सभी एजुकेटर्स के एक एक दो दो लेक्चर्स देख सकते हो। आप जिस एजुकेटर पे कंफर्टेबल हो तो
उस एजुकेटर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्या होता है कि चार प्रकार के बच्चे रहते हैं, दो 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 तीन चार प्रकार के अगर बच्चे हैं तो चार एजुकेटर भी है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही एजुकेटर का चार को समझेगा। ठीक है, सभी के मानसिकता अलग रहती है, सभी की कैपेसिटी अलग रहती है, ठीक है, सभी का पढ़ाने का जो वे रहती है वो अलग रहती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, हम लोगों को कौन से एजुकेटर से पढ़ना है। उसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको प्योर हिंदी वाले टीचर्स मिलते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको प्योर इंग्लिश वाले मीडियम इंग्लिश वाले टीचर्स मिलते हैं। लेकिन एक और जो सबसे बीच वाले रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे को पढ़ना इंग्लिश में पसंद है लेकिन पढ़ाने वाला हिंदी में होना चाहिए, मतलब बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो वैसे वाले टीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए ऑप्शनल ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा सबसे बेनिफिशियल अनएकेडमी की बात यही है, मतलब बाकी सब्सक्रिप्शन से मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन हम लोग को यही दिखता है अनएकेडमी के, कि लेकिन हम लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस में जब हम गए तो हम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, टॉपिक वाइज, टॉपिक सब टॉपिक वाइज हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के अलग आपको अलग टॉपिक्स दिखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने ज्योग्राफी हिस्ट्री में गया, मैं यहाँ पे हिस्ट्री में एंशियंट के टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो अलग, मेडिवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग, मॉडर्न के अलग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ज्योग्राफी में जा रहा हूँ तो ज्योग्राफी, अगर मैं यहाँ पे गया इंडियन ज्योग्राफी में तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इन लोग, इसमें ये हो गया। ठीक है, ये पहले ये टॉपिक्स हो गए, अपना एक पहला ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, फिर ज्योग्राफी के फिर सब टॉपिक्स हो गए, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये उसमें भी सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, मतलब आपने एक एक, एक सीधा सा टॉपिक अगर आपने पढ़ा, मतलब आपने सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लिया, आपने सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लिए, तो इसके उसके सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब 151 क्वेश्चन है, मतलब सोचिए कितना बेनिफिशियल है ये। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेस्ट भी रहते हैं, ये टेस्ट भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नोट्स की फैसिलिटी, अब 2-4 दिन ही हो गए नए नोट्स की फैसिलिटी आ गई है यहाँ पे, पहले ये सिर्फ ऐप में था, अभी ये साइट पे लैपटॉप पे भी आ चुके हैं, मतलब ठीक है। मस्त नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पॉइंट ओपन इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, नोट्स बहुत अच्छे हैं 2.0 पर वो भी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब भी आप जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जो ये ऐप का सब्सक्रिप्शन सब कुछ मिल जाता है, ऐप में सब कुछ एक्सेस कर सकते हो आप। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि आप लोगों को बुक्स अवेलेबल मिलती है, प्रिंटेड प्रिंटेड फॉर्म में आपको हार्ड कॉपी बुक्स के आपके घर पे आती है। ठीक है, आपको जो 50-60 हज़ार रुपए आपके वो पूरे पूरे इन्वेस्ट आप जो कर रहे हो आपको पूरा उसका आउटपुट मिलता है स्टूडेंट्स, आप सब्सक्रिप्शन जब लेते हो। ठीक है, उसके बाद जब भी आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो आपके रिश्तेदार, ठीक है, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, मतलब बहुत लोग सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, एक बात पूछेंगे। हम लोग महाराष्ट्र में हम लोग एक पूछता है, ऑनलाइन बनते हुए इनका बनते ऑनलाइन, हाँ जबन का बनते ऑनलाइन। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो हम लोगों को जब डर लगता है कि ऑनलाइन होगा क्या आपका, ठीक है, ऑनलाइन में हो जाएगा क्या। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये पहले कोरोना ने ऑनलाइन को वैसे बदनाम कर दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन के कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा मैं, कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, ऑफलाइन के कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा, कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा मैं। ठीक, ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग खुद को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको जो अब आपको अगर एक बच्चा मैं हुआ, अगर मेरे को रात में पढ़ाई करना अगर पसंद है, ठीक है, तो मेरे को रात में थोड़ी कोई टीचर पढ़ाने वाला है, सीधी सी बात है ना। तो मेरे को अगर रात में पढ़ना पसंद है या रात में किसी टीचर लेक्चरर से पढ़ना पसंद तो मैं रात में कर सकता हूँ। हम अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, लेकिन इस पे एक बात ये आती है कि हम लोगों को खुद को वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। हम लोग खुद डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, यही ऑफलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, आपको पता है कि वो टाइम पीरियड में आपको वापस जाना है, आपको पहुंचना है, बैठना है, बुक खोलना है और ध्यान देना है, कंसंट्रेशन देना है, आपको पता है कि वो कभी रिपीट नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको पता है कि रिपीट होने वाला है, इसलिए आपने क्या थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि हम लोग खुद को उतना फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, लेकिन तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, और आप अपने घर पे बैठ के आप लोग दुनिया के मतलब इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो रही है, इससे ज्यादा फायदेमंद वाली बात कौन सी है। ठीक है, मतलब आपको
जो एजुकेटर से पढ़ना है वो एजुकेटर से आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हो ऑनलाइन में, ठीक है। इससे बड़ी बेनिफिशियल बात तो कोई भी नहीं है। और इससे बाद अपने आप अगर नागपुर में रह रहे हो, अगर मैं नागपुर में रह रहा हूँ, मेरे को दिल्ली अगर जाना है तो मैं आपको खाने का टेंशन, वहाँ पे रहने का टेंशन, रूम का किराया, ठीक है, मतलब पढ़ाई करने के अलावा हमारे सर पे दुनिया भर का टेंशन रहता है। तो वो दुनिया भर का टेंशन गायब हो जाता है। मस्त हम लोग घर पे अगर बैठ रहे, अपना एक रूम है, मम्मी मस्त पानी ला के देती है, ठीक है, मम्मी खाना खिला के देती है, खाना बना के देती है, खाना ला के देती है, सब कुछ हम लोगों को आयता मिलता है। मतलब घर पे अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या कोई रूम कर रहे हो घर के पास ही, या घर पे ही आपकी अगर कोई रूम है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप लोग वहां पे बैठ के, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करना है, पढ़ाई के अलावा आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। तो आप अपना वो टाइम पीरियड उतना बच जाता है सिर्फ। और लेकिन उसके अगर हम लोग थोड़ा सा आउट थोड़ा अपोजिट अगर ऑफलाइन में देखें, तो ऑफलाइन में हम लोगों के पास ग्रुप डिस्कशन करने के लिए हमारे पास दोस्त मिल जाते हैं, हम लोगों को 4 लोग मिलते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, वो 4 लोगों की 4 बातें हम लोगों को पता चलती है, ठीक है। ठीक है, ऑफलाइन के भी फायदे हैं, ऑनलाइन के भी फायदे हैं, वो हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में सिर्फ इतना है कि हम लोगों को एटमोसफेयर नहीं मिलता है, हम लोगों को खुद वो एटमोसफेयर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस ये हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन की बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आप लोग ये सब्सक्रिप्शन, अगर मैं अपना अगर राय दूँ तो आप सब्सक्रिप्शन 100% ले सकते हो। आपके आपका कोई अगर आपके कोई फ्रेंड ने अगर लिया होगा तो आप उसके रेफर से ले सकते हो, या मेरे रेफर से भी ले सकते हो आप। अगर मेरे रेफर से लेना है तो आपको एक दो हिडन ट्रिक्स है, वो मैं मेरे को अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, वो हिडन ट्रिक्स मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, वो हिडन ट्रिक्स से आप ले सकते हो। आपसे और थोड़े बहुत पैसे 1,500 रुपये कम हो सकते हो उससे, ठीक है। 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, 10 से 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है इसके, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप अब मैंने तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, अब फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया आपने बोला कि हम लोगों को सब्सक्रिप्शन लो और हमने ले लिया और हमको मजा नहीं आ रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। मैंने अपनी बात बताई है, क्योंकि सबके अपने अपने रिव्यूज रहते हैं, सबके अब अपना अपना दृष्टिकोण रहता है, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे एक मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ कि आप अगर 2 से 3 दोस्त हो, और 2 से 3 दोस्तों का अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो आप तीनों मिलके पे उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। मतलब अगर ये 60,000 का है तो आप 20-20,000 रुपये डिवाइड करके ले सकते हो। सीधी से बात है, आप लोग 24 घंटे तो पढ़ाई कर नहीं सकते हो, तो 24 घंटे को आप बांट लो 6-6 घंटों में, ठीक है। तो 6 घंटे तो सोएगा कोई ना कोई, 6 घंटे रात के 6, 12 से 6 काट दो, तो बाकी के जो 18 घंटे बचे आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब फिर आपको आप उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पैसे बचाना तो आप ये सब चीजें भी कर सकते हो, ठीक है, और कर सकते हो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है अनअकैडमी का, अनअकैडमी का यही सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है कि हम इसे 2-3 लोग मिलके इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अलग अलग नोट्स भी आ चुके हैं, प्रैक्टिस सिलेबस सब समझ गया है आपको। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, जो कुछ भी आपका डाउट है मैं क्लियर करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ अपने तरफ से। मैं जितना ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ। मेरी भी प्रिपरेशन चल रही है यूपीएससी की, और ठीक है, और उसमें भी आपको यूपीएससी में अगर भी कुछ डाउट है तो वो भी आप लोग कुछ पूछ सकते हो, ठीक है, ऐप को लेके, सब्सक्रिप्शन को लेके। और आप जब भी ये सब्सक्रिप्शन लो तो 3-4 दिन ये ऐप का थोड़ा सा भ्रमण कर लो, ठीक है। तो मेरे को ऐप समझने के लिए भी 4-5 दिन लग गए थे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐप भी समझा दिया है इसमें। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक का एक ये रहता है कि प्लस के कुछ कुछ चीज़ें रहती है और आइकॉनिक के कुछ, मतलब प्लस और आइकॉनिक के सेम ही है, हर आइकॉनिक के प्लस मतलब आइकॉनिक थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। आइकॉनिक में आपको सिर्फ 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है और मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है, और प्लस में आपको बाकी सब मिलता है। तो आप उसका भी ऐसे से ले सकते हो, आइकॉनिक लेना है आइकॉनिक लो, प्लस लेना है प्लस लो, लेकिन मैंने प्लस लिया है, प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। ये पूरी जीएस की बात हो गई। ऑप्शनल में जब हम लोग जाते हैं तो ऑप्शनल में हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई देता है कि ऑप्शनल में यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज मेरे को क्या लगी है कि यहाँ पे आपके लिए सभी ऑप्शनल खुल जाते हैं। मतलब आपको एक सिर्फ एक ऑप्शनल का एसेस नहीं मिलता, आपके लिए सभी एसेस मिल जाता है। मतलब जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था तब मेरा ऑप्शनल डिसाइड ही नहीं हुआ था, फिर मुझे वैसा पता चला कि इसमें ऑप्शनल का सभी ऑप्शनल पे सभी ऑप्शनल हमें मिल जाते हैं, तो मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है। सभी ऑप्शनल आपके लिए मिल जाते हैं। देखिए, ऑप्शनल के लिए हेमा बिंदु मैडम है, ये हेमा बिंदु मैडम है, ये XYZM मतलब फैकल्टी है, तो ये बहुत जबरदस्त एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। प्रतीक नायक सर बहुत जबरदस्त है, जी राजपूत सर, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे सर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त
फैसिलिटी मिलती है। और आप जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो जीएस प्लस ऑप्शनल लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल की प्रिपरेशन तो हमें करना ही है। आप यहाँ पे सिंगल ऑप्शनल लोगे तो आपको 25 से 30 हज़ार में पड़ेगा, ठीक है, और सिर्फ आप अगर जीएस प्लस ऑप्शनल भी लोगे तो वही ऑप्शनल आपको 9-10 हज़ार में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को फायदा मिलता है, ठीक है। तो आप जीएस प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेनिफिशियल है ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो, आप लेने के बाद किसी को रेफर भी कर सकते हो, 5 लोगों को अगर आपने रेफर कर तो आपको एक लैपटॉप मिलता है, ऐसे सब फैसिलिटीज भी इसमें रहती है, ठीक है। हाँ, तो इतना सब है, आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट पर बता सकते हो, मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर मैंने आपको आपके मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।